दोस्तों, मैं शुभम चौहान मारता पोल्ट्री फार्मिंग से। मैं हमारा वेल्डिंग वर्किंग काम चल रहा है, तो मैं सामने मैं बैक कैमरा करता हूँ। बैक कैमरा ही नहीं हो रहा है इसमें काम। हम इसके लिए आया था, देखो केबल पूरी काट रखी थी, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो पूरी केबल काट रखी थी, ये मेरा छोटा भाई अभी भी लगा हुआ है। देखो थोड़े दिन में ये भी वीडियो बनाना शुरू हो जाएगा। भाई इसको शर्म आती है बोलने में, एक बार ट्राई तो कर इधर बोल के कि मैं जा रहा ये कर रहा हूँ, ट्राई कर दो इधर। उसका अभी शर्म आ रही और यहाँ पर देखो चूहे की बीट पड़ी है। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक पंप है, तो इससे हम ये जैसे कीटनाशक दवाई या छींटना रहती है फार्म के आसपास, तो इससे करते हम। और ये देखो हमने पहले देसी जुगाड़ आपको बताया था हमने पहले की वीडियो में होगा कि हमने इसे तार से ही बांध दिया था। देखो ये वेल्डिंग नहीं करी थी इसकी, ये तो वेल्डिंग वर्किंग चल रही है पूरे देखो फार्म में। और ये देखो तारों से बंधा है, ये तार बंधा है, तार बंधा है पूरा देखो। और जाली तो ये बन है, बारिश से कुछ भी नहीं होता, इसको सड़ते भी नहीं है। जीआई पाइप है देखो, इस वजह से जीआई तार है, सॉरी जीआई पाइप तो ये इधर है। और देखो वेल्डिंग वर्किंग चल रहा है, वही देसी जुगाड़ देखो तार ऑन जोड़ने का। और दादा सऊदी रिटर्न आए हैं, उनको 35 साल हो गए उधर सऊदी में। ये देखो वेल्डिंग वर्किंग एकदम बढ़िया, देखो वेल्डिंग से क्या अच्छी मजबूती आ जाती है जालियों में, फ्रेम बन जाती है उसकी। और ये देखो एक दो साल बाद ये जो ये बेलें ये दिख रही हैं, बेलें हैं, बेल बोलते हैं इनको, पेड़ का नाम तो मेरे को भी नहीं पता। ये सब चद्दर पर जाएगी और पूरा हमको होगा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये पूरा ठंडा रहेगा ऊपर, इसलिए हमने लगा रखी। 2 साल कम से कम लगेंगे इसको पूरे फार्म पर जाने में। अभी पिछली बारिश में लगाया था, इस बारिश में देखो 5 ही पेड़ मतलब ये लगे हैं बेले, उन एक और है उधर छोटा सा ही रह गया, पानी नहीं डालता शिवा उसमें शिवा पानी नहीं डालता उसमें। ये देखो सामने शिवा को वहाँ पानी, वो छोटे वाले में हाँ। और ये दादा ने वेल्डिंग करी देखो, वो देखो पड़े पड़े पानी एक बूंद नहीं लगा इसमें, और ये सड़ गई ये जाली देखो, ये देखो देख सकते पूरा ये बंडल आता है 50 फीट का। वो दादा ने वेल्डिंग करी इधर देखो, बहुत ही बढ़िया वेल्डिंग करी दादा ने। और पूरा फार्म भी इन्होंने दादा ने ही वेल्डिंग करी है पूरे फार्म में। और कैमरे की ये ट्रायल लेंगे अभी। ये देखो हमने पहले यहाँ से था सलंग, अब तार इधर से ले लिए केबल। और चूहे बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उसका मेडिसिन बताइए मुझे कि इसका उपाय क्या है। दाने खाना है तो दाने खाओ ना यार, उनको किसने मना किया है। ये तार वगैरह तो मत काटो, हमारे बर्तन उन भी काट दिए उन्होंने। ये देखो एकदम बढ़िया जाली लगा रखी है, और पहले ये लगी थी देखो सड़ गई है। अभी इसको मैं थोड़ा इसको, ये देखो डस्टी डस्ट उड़ रही है, देखो ये डस्ट उड़ रही है देखो, ये पूरी सड़ गई थी जाली पूरा अस्त व्यस्त है फार्म में पूरा। मेरे छोटे भाई ने देखो लगा दिया ये, वो बोलता नहीं, एक बार बोल तो ले थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ बोल तो दे।
और इधर इधर ये तो देखा ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं आपको। और ये करण एकदम गेहूं के भूसे के ऊपर बैठा है, आराम से लेटा है। वो देखो डबल मंजिल बनाएगा ये, 6,000 का फार्म है इधर। ये 100 फीट है पीछे और 100 फीट इसके बगल में उधर, और ये 80 फीट है मात्र। 80 फीट में निप्पल सिस्टम हमसे ही बुलाएंगे ये। ये मेरा छोटे भाई का यही काम है, जोड़ने का और तोड़ने का और सामान बुला देगा। बाकी मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। वेल्डिंग वर्किंग चल रही है और फ्रेम के लिए हमने ये हल्के वाले इंगल लगाए थे, ये लाए थे, तो 5-6 और पड़े हैं, बाकी लगा दिए इधर। और बढ़िया काम है, फार्मिंग का काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। डेयरी फार्मिंग से अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग अच्छा लगा। अभी बंद करके वापस चालू करेंगे। अभी कैमरे का ये ट्रायल लेंगे हमने, हमारा मैकेनिक देखो मेरा छोटा भाई बहुत हर चीज़ में माहिर है। और इधर अब इसका ये ढक्कन बना रखा है, ये वेल्डिंग कर इससे इनसे वेल्डिंग करवा लेंगे ना भैया। ये मतलब जोड़ देना है यार, वो पानी वानी धो धो के। और ये देखो ये मेडिसिन है पड़ी है सिमरन कंपनी की, और हम इससे धोते हैं, ये लिक्विड है एक। और ये ऊपर रोटर है, 4G रोटर ही है, 5G नहीं है, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं थी इसकी। और ये ऊपर से ये लगाना हमको, सीमेंट और ईंट लगा के पूरा पैक करना पड़ेगा यहाँ, जब भी यहाँ पर चूहे नहीं आएंगे। ये देखो ऊपर से पूरा खुला है, ये साइड में पूरा 20x20 का रूम है ये, इसके बगल में भी है, वो 20x10 का रूम है, 20x15 का होगा, सॉरी सॉरी 20x10, क्योंकि 30x150 है ना हमारा। 20 फीट इधर ले लिए, 10 फीट उधर है। हाँ कर चालू कर, वहाँ लाइट आ जाएगी, चालू हो जाएगा वो। चल कर तो चालू स्विच, हाँ ये चालू कर दिया। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, यहाँ लाइट। जब उधर पावर ऑन कर कर दिया ऑन, ये देसी जुगाड़ देखो हमारा, पावर ऑन करने के बोर्ड बोर्ड जला दिया ये हेलोजन की वजह से। ए? ये देखो ट्रायल लेना शुरू कर दिया, ये टेप मारना पड़ी यहाँ पे, और पावर ऑन करेंगे, हमारा देसी जुगाड़ है देखो। हाँ कर दे पावर ऑन, अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पावर ऑन हो जाता है तो यहाँ रेड लाइट जलती है रोटर में, ये देखो यहाँ तो जल गई है, ये यहाँ पर भी जल गई है, थोड़ी समय लगता है। अब ग्रीन लाइट लगेगी, मतलब ग्रीन लाइट जलेगी तो ये ब्लू मतलब सिग्नल आ गया। ब्लू दिख रही है अभी, फिर ग्रीन दिखेगी तो मतलब चालू हो जाता है। और मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ उस मोबाइल में मुझे देखना पड़ेगा वापस कि चारों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्यों सिग्नल नहीं आया यार, सिग्नल
एक ग्रीन लाइट जलती है ना ऊपर, दादा आ गया सब कर। चल आ जाए।